गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइल के हमले अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस युद्ध में अब तक ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी युद्ध खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच इसराइल को अमेरिका और भारत दोनों जगह से झटके लगे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य हैं, जिनमें से 153 सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि बहुत हुआ, अब गजा पट्टी में युद्ध विराम होना ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो 7 अक्टूबर के बाद से ही हर दिन कहा जा रहा है, तो फिर इसमें नया क्या है? तो नई बात है कि इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत का वोट देना। अपने दोस्त इजराइल की नाराजगी की चिंता ना करते हुए भारत ने भी मानवीय आधार पर गजा में सीज फायर के पक्ष में वोट दिया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मंगलवार देर रात को गजा में सीज फायर पर प्रस्ताव पारित हो गया। भारत ने इसके पक्ष में वोट भी किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 193 सदस्यीय यूएन में यूएई, सऊदी अरब समेत 193 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया। अमेरिका, इजराइल समेत 10 देशों में युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया। 23 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा कि भारत ने महासभा से हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन की हानि हो रही है, खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि गजा में लगातार हमले करने की वजह से इजरायल ग्लोबल सपोर्ट खो रहा है, उन्हें जंग में रुख बदलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। इस बीच नेतन्याहू ने माना है कि उनके अमेरिका से कुछ मुद्दों पर मतभेद है। दरअसल अमेरिका इसराइल पर गजा में आम लोगों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है, हालांकि इसराइल इसके खिलाफ है। इसराइल ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध विराम नहीं होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।